नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आपके साथ मैं साहिल अस्थाना। अभी देश में आसानी तूफान आया हुआ है जिसने कल शाम से आंध्र प्रदेश का रुख कर लिया है। इसी बीच तूफान में एक सोने की रथ के मिलने की खबर है। दरअसल मंगलवार शाम को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुन्नापल्ली में समुद्र तट के पास मौजूद लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अचानक समुद्र में सोने के रंग के एक रथ को प्रकट होते हुए देखा। समुद्र में बिल्कुल सोने की तरह दिखने वाला यह रथ किनारे की तरफ बढ़ता आ रहा था और जैसे ही लोगों ने इस रहस्यमयी रथ को देखा उसे रस्सियों से बांधकर किनारे पर ले आए। अभी तक किसी को यह पता नहीं चल पाया कि समुद्र में यह रथ बहता हुआ कहां से आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह रथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के किसी मठ से बहकर आया हो। संभावना है कि यह रथ चक्रवात की वजह से समुद्र में बहकर सुन्नापल्ली तट के पास पहुंचा हो। आपको बता दें कि अभी तक किसी भी नतीजे पर पहुँचा नहीं जा सका है। यह रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बहकर यहाँ पहुँचने की बात भी चल रही है। हालाँकि संता बोमली के तहसीलदार जे चलमैया ने कहा कि यह किसी दूसरे देश से नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह रथ का इस्तेमाल भारतीय तट पर कहीं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया होगा, लेकिन उच्च ज्वार की गतिविधि ने श्रीकाकुलम तट पर ले आई। वहीं नौपाड़ा के एसआई ने कहा कि हो सकता है यह किसी दूसरे देश से आया हो। फिलहाल इंटेलिजेंस और उच्च अधिकारियों को रथ के विषय में सूचित कर दिया गया है और अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि यह रथ सोने की है या कोई फिल्म के शूट की। फिलहाल आप विजुअल्स में देखिए कि किस प्रकार यह रथ बहता हुआ समुद्र में आ जाता है और आसानी तूफान के कारण यह रथ तटीय इलाके तक पहुंच गया जहां पर लोगों ने रस्सी से बांध कर इसे रखा है। आप देख रहे थे सोशल संवाद। वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।